सो ही व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रिदम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्च से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड गाइस, जो 25 दिसंबर की हमको डेट मिलने वाली है भाई, उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो गाइस, वीडियो पूरा एंड तक देखना, और भाई चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको सिर्फ और सिर्फ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर टैप करना है और भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो जाएगी। सो गाइस, सीधा हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया भाई उसको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपडेट तो यही है भाई, जो PUBG मोबाइल के कंट्री मैनेजर थे, मतलब जो इंडिया में मैनेजर थे PUBG मोबाइल के, वो मतलब पहले तो जब गेम बैन हुआ तब तो भाई वो मैनेजर नहीं रहे ना अब, तो भाई जब PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में अनाउंसमेंट हुई तो अब उनको PUBG मोबाइल इंडिया के लिए भाई वापस से कंट्री मैनेजर के रूप में हायर कर लिया गया है। मतलब PUBG मोबाइल इंडिया का प्रोसेस तो चल रहा है भाई, प्रोसेस की हर रोज़ कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भाई मैनेजर तक भी बात पहुँच चुकी है। और भाई जो गवर्नमेंट के बारे में आपने इश्यू सुना था कि भाई गवर्नमेंट मना करी, गवर्नमेंट पबजी को अलाउ नहीं करेगी, तो उसके पीछे का सिंपल एक ही रीज़न है कि भाई जब 13 तारीख को गेम लॉन्च होने वाला था तब तो भाई मतलब गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन थी उस पबजी मोबाइल के पास। लेकिन बाद में भाई जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि भाई गेम इतना जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं वो लोग, मतलब जैसे ही परमिशन ली गवर्नमेंट ने सोचा होगा थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा गेम को रीबिल्ड वगैरह होते हुए, कुछ भी सोचा होगा हम एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन तो भाई वहाँ पर जब गवर्नमेंट ने देखा ना कि इनकी तैयारी पूरी थी और ये लॉन्च करने वाले हैं, तो भाई सीधा गवर्नमेंट ने नहीं सोचा था, जो फौजी है ना भाई फौजी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो भाई फौजी के जो डेवलपर्स वगैरह जो भी इनके इनर कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनसे ये हो सकता है कि वो लोग चाहते कि गेम थोड़ा डिले हो जाए ताकि भाई फौजी को अटेंशन मिल जाए कि भाई फौजी एक स्टोरी बेस्ड गेम है तो उसको एक बंदा एक ही बार खेल पाएगा ना, ज़्यादा बार नहीं खेल पाएगा। और PUBG मोबाइल को हम लगभग 3 साल होने को आए हैं, PUBG मोबाइल तो हम नॉन स्टॉप खेल ही रहे हैं, आज तक इस गेम से हम बोर नहीं हुए, तो भाई हम तो आगे भी खेलेंगे, तो फौजी को कहीं ना कहीं पहले आ जाने दो। और भाई स्टोरी बेस्ड गेम है तो भाई ज़्यादा दिन तो नहीं खींच सकते हम इसको, तो गेम जो फौजी गेम है वो भी भाई पहले आ जाएगा। अब दिसंबर का लास्ट वीक बोल रहे थे तो भाई दिसंबर का लास्ट वीक भी आने वाला है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो लास्ट वीक में भाई वो गेम भी आ जाएगा। और भाई फिर जो गवर्नमेंट का जो भी इशू था कि गेम नहीं लाने देंगे, ये नहीं लाने देंगे, तो भाई वो सारी बातें अलग है, क्योंकि भाई अगर वायलेंस वगैरह के चक्कर में इतना ध्यान दे रहे होते ना गवर्नमेंट, तो अभी तक फ्री फायर COD भाई वो दोनों गेम भी बैन हो चुके होते, उनका भी कुछ मतलब नामो निशान नहीं देखने को मिलता हमको यहाँ पर। तो सीधी बात तो यही थी कि खाली उनको फौजी को अटेंशन दिलवाना था, इसीलिए गेम को बैन कर दिया। तो फौजी लास्ट वीक में आ रहा है जो इनर सोर्सेज ने बताया था, तो भाई फौजी के बाद पबजी भी आ ही जाएगा। एंड काफ़ी लोग इस चीज़ से भी रिलेट करेंगे, भाई जोनाथन ने जो स्टोरी लगाई थी कि वो न्यू ईयर से वापस से स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हाँ ये भी कहीं ना कहीं हमको एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल जाता है कि भाई गेम आ सकता है न्यू ईयर में। अब देखो 25 तारीख का क्या है, 25 तारीख को हमें कोई अच्छी सी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अब अगर PUBG मोबाइल वाले इतना नहीं रुकना चाहे तो भाई वो कुछ दूसरा तिकड़म वगैरह निकाल लेंगे वेबसाइट पर लॉन्च करने का, क्योंकि जितना कम वॉयलेंस उनको करना था उतना वो कर चुके हैं, जितना उनको सिक्योरिटी देनी थी उतने वो दे चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो सीधा अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर देंगे और जिस दिन गवर्नमेंट से परमिशन मिली उसी दिन अपने प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाएगा। और ऐप स्टोर का है जो, तो भाई अब इतना टाइम लग रहा है तो भाई हो सकता है ऐप स्टोर में भी साथ ही साथ गेम आ जाए। बस यही थी आज की अपडेट में। और भाई यहाँ पर एक लास्ट अपडेट मैं आपको दे दूँ कि भाई अगर आपको PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कोई भी लिंक, कोई भी डाउनलोड और कुछ भी आपको देखने को मिला ना, तो भाई उस पर क्लिक मत करो, क्योंकि भाई PUBG मोबाइल इंडिया खाली दो ही जगह पे आएगा, या तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उनके अलावा भाई गेम कहीं पर भी नहीं आने वाला है। तो भाई कहीं पे दूसरे तिकड़म वगैरह कोई हैकर्स वगैरह लगा रहे ना तो भाई आपके ही लगा देंगे वो, ठीक है, गेम तो कुछ मिलेगा नहीं, आपका डाटा वाटा सब कुछ चला जाएगा, हो सकता है आपका जो फ़ोन है वो भी किल, मतलब ऐसा कुछ होता है उनका सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब लोगों में भाई दिमाग बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फालतू चीज़ों में लगा देंगे और भाई फिर आपके भी बहुत बुरे लग सकते हैं। तो वैसी किसी लिंक पे क्लिक मत करना। और जैसे ही PUBG मोबाइल इंडिया लॉन्च होता है तो भाई आपको एक बात है, जैसे PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी या फिर पोस्टर रिलीज हुआ था, आपको सबसे पहले मतलब पता चल गया था ना, जैसे ही आपने YouTube Instagram कुछ भी खोला आपके सामने बस जो ऑफिशियल चीज़ थी भर भर के आ रही थी, मतलब बरस के आ रही थी,
तो जैसे ही पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज़ आएगी ना भाई, वो भी आपके सामने ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आपको कहीं पर भी थर्ड पार्टी वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो छोटी मोटी अपडेट है उसके बारे में यही बता रहा हूँ कि मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं दूसरे, वो आपको बता दें, क्योंकि भाई छोटे मोटे अपडेट इतनी ज़्यादा मतलब इनका कुछ इतना रोल नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट बहुत होती है। मतलब आप अगर जान लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाएगी और आपको मन में एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा भाई हाँ गेम आएगा। तो वही बात है, तो छोटी मोटी अपडेट्स तो हम दे देंगे, बाकी जो बड़ी ऑफिशियल अपडेट है भाई वो तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाएगी, आपको ज़्यादा वेट उसके लिए तो करना ही नहीं पड़ेगा और बस सीधा आपको गेम मिल जाएगा। सो गाइज, होप करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत दिल खुश कर दिया आपने। सो गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।